नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर आज हम बात करेंगे न्यू अपडेट के बारे में। तो 16 नवंबर का जो भी आपका नया अपडेट है उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। अपडेट आपका क्या है कि 16 दिनों में टीटी का रिजल्ट रिकॉर्ड जारी करने की तैयारी। 4 दिसंबर को आएगा टीटी 2018 का रिजल्ट। 5 दिसंबर को शिक्षक भर्ती का यहाँ पर जारी होगा विज्ञापन। बेसिक शिक्षा अपर सचिव मुख्य डॉक्टर प्रभात कुमार बोले तैयारियाँ शुरू, यानी कि तैयारी शुरू हो गई है। टीटी की उत्तर कुंजी आज और 23 तक ली जाएंगी यहाँ पर आपत्तियाँ। ये आपका मेन मेन अपडेट है। और 6 जनवरी को ही होगी सहायक अध्यापक की भी लिखित परीक्षा, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीटी 2018 का रिजल्ट अब 4 दिसंबर को यहाँ पर जारी होगा। और बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि इसके लिए परीक्षा संस्था को निर्देश जारी किया जा रहा है कि तय समय सारणी से पहले ही 4 दिसंबर को यहाँ पर रिजल्ट दिया जाए। समय सारणी में 8 दिसंबर को रिजल्ट यहाँ पर प्रस्तावित है देना, ठीक है। और ये अहम बदलाव इसलिए हो रहा है ताकि सहायक भर्ती की लिखित परीक्षा विज्ञापन 5 दिसंबर को यहाँ पर जारी किया जा सके। आगे यहाँ पर यह है कि रविवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रवेश में सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से पूरी परीक्षा यहाँ पर हो गई है। और यहाँ पर आगे क्या क्या है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर को स्तर की परीक्षा में 11,01,710 और उच्च में जो है 71,416 अभ्यर्थी, कुल जो है 16,73,126 शामिल हुए थे। और आपका आगे मेन मेन जो अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि 16 दिनों में ही जारी होगा यहाँ पर रिजल्ट रिकॉर्ड टीटी का। और 68,500 सहायक शिक्षक की भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी गई। आगे यहाँ पर क्या कि अगली शिक्षक भर्ती तय समय में हो रही, इसलिए 5 दिसंबर को ही इसका विज्ञापन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया हर हाल में 20 से 25 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। और 6 तारीख को यहाँ पर आपका होगा पेपर। और 2 चरण में आ सकता है टीटी का यहाँ पर रिजल्ट, यानी कि टीटी का रिजल्ट इस बार 2 चरण में आने की उम्मीद है। पहले प्राथमिक स्तर, फिर कुछ अंतराल के बाद उच्च प्राथमिक स्तर का यहाँ पर परिणाम आने का यहाँ पर संभावना है, ठीक है। और आगे यहाँ पर और क्या आपका अपडेट है, बाकी ये आपका जो मेन मेन अपडेट है उसके बारे में केवल हम बात। आगे यहाँ पर आपका एक और जो अपडेट है कि एसएससी की परीक्षा में आज भी होगा आवेदन, यानी कि एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से होने जा रही स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी परीक्षा 2018 तथा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक भर्ती 2018 में आवेदन की अवधि 1 दिन यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और अभ्यर्थी अब 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले 19 थी। और आगे यहाँ पर एक और आपका अपडेट है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का यहाँ पर परिणाम जो है 28 दिसंबर को, यानी कि स्टेनोग्राफर सी और डी 2017 का जो परिणाम है ये आपका जारी होने वाला है 28 दिसंबर को, यहाँ पर ये जारी हो जाएगा। और आगे यहाँ पर आपका और कोई अपडेट है, आगे यहाँ पर आपका ये अपडेट है कि ए आर ओ प्री 2017 से पहले बैकलॉग को यहाँ पर प्राथमिकता, तो ये भी यहाँ पर एक आपका अपडेट है। आगे यहाँ पर आपका जो अपडेट है कि प्रवक्ता भर्ती को साक्षात्कार 3 से, यानी कि यहाँ पर आपका साक्षात्कार होने वाला है। यानी कि राजकीय आश्रम पद्धति के स्कूलों में प्रवक्ता रसायन अंग्रेजी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 3 से 6 दिसंबर तक यहाँ पर होंगे, ठीक है। और आपका यहाँ पर इसका जो पूरा अपडेट है आप के साइट upsc.up.nac.in पर आपको दे दिया जाएगा। 26 दिसंबर 2009 को पेपर इसका आवेदन मांगा गया था और 12 मई 2015 को हुआ था पेपर। और अभी जो है 3 दिसंबर को 19 लोग बुलाए जाएंगे और 4 को 39, ठीक है। आगे यहां पर जो है कि वीडियो के पद न बढ़ने के मामले में सुनवाई आज, यानी कि UPPSC की ओर से हो रही PCS 2018 भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में BDO यानी कि खंड विकास अधिकारी के पद न बढ़ाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई मंगलवार को होगी। और PCS परीक्षा में BDO के 460 पद बढ़ाए जाने की मांग पूरी न होने पर अवनीश पांडे ने 16 नवंबर को यहां पर याचिका दाखिल किया था। तो जो मेन मेन आपका अपडेट है आज का आपके जॉब का वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। और बाकी और कोई यहाँ पर मेन अपडेट आपका नहीं आज आया है, तो जो भी आपकी मेन अपडेट है तो उनके बारे में हमने आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया है। तो बाबा टेक केयर।